नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए एंड अपडेट्स के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर के करीबी गांव साबौता मुस्तफाबाद के माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में शिकायत का मामला सामने आया है, जिसमें बच्चों को मिलने वाले खाने में नमक अधिक होने और दूध में अत्यधिक पानी की मात्रा होने का आरोप लगाया गया है। दूध की हालत तो इतनी खराब बताई गई है कि प्रधानाचार्य द्वारा दूध लेने से ही मना कर दिया गया है। दूध का ड्रम खाली है, बच्चे बिल्कुल पीते नहीं है। दूध का ड्रम खाली है, जब बच्चे पीते नहीं है तो हम लेके क्या करें उसका? बच्चों के लिए जो मिड डे मील का लंच आता है उसमें खाने के नाम पर खिचड़ी थी जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, दूध के नाम पर सफ़ेद पानी था जो बच्चे जिसको पीते ही नहीं और पीने से कहते हैं कि हम ये दूध नहीं है पानी है। तो इस तरह की अनियमितता पाई जा रही है जिसको प्रशासन की लापरवाही समझें या मिड डे मील जो सप्लायर हैं उनकी कालाबाजारी। इस चीज़ को देखते हुए सरकार से और BSSR से अनुरोध है कि इसका इस पर संज्ञान में लें और इसको देखें। ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं तो मिड डे मील की व्यवस्था को बंद करा दें, बच्चों के लिए कोई और उपाय देखें। बच्चों, आपके लिए खाना और दूध कैसा आ रहा है आजकल? दूध पानी से आता है। आप नहीं पीते उस दूध को? नहीं। कब से आ रहा है ये? मिड डे मील में अनियमितता को देखते हुए गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों ने मामले का संज्ञान लिया और इस बारे में स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की। प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते काफी समय से बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में काफी अनियमितता देखने को मिल रही है, जिसके बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। हमारे पूरे जनपद में मिड डे मील की सप्लाई एक NGO द्वारा की जाती है और ऐसा नहीं हमेशा ही ख़राब आता है, कभी कभी अच्छा भी आता है, लेकिन किसी किसी दिन क्वालिटी डाउन होती है। और जिस दिन की ये दूध वाली बात है, दूध तो अक्सर ही बेकार आता है और हमारे बच्चे लेते नहीं है, पीते नहीं है उसे, उसमें पानी बहुत होता है, दूसरी बात उसमें मीठा भी नहीं होता है, फीका होने के कारण बच्चे उसे पीते नहीं है। पहले अपने अधिकारियों से भी हम कह चुके हैं और जो संस्था प्रदान करती है उनके जो संस्थापक हैं उनसे भी हमने संबंध में बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया है अभी कि हम इस क्वालिटी को जल्द और सुधारेंगे जो बच्चे पी सकें। और खाने में कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे तो जनरली ठीक आता है, लेकिन जैसे नमक ज़्यादा हो गया उस दिन का भी, जो आप ग्रामीण ने आपको बताया उस दिन खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा थी, तहरी आई थी, तहरी में नमक ज़्यादा था, थोड़ा कड़वापन था उसमें। नहीं, उन्होंने कहा है कि आगे से इस तरह का नहीं आएगा और जो भी कमी आपके हमारे खाने में है, आपके द्वारा शिकायत की गई है, उसका हम शीघ्र ही निस्तारण करेंगे और अच्छा खाना बच्चों को दिलाएंगे और दूध भी इस क्वालिटी का उपलब्ध कराएंगे कि बच्चे पी सकें और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। उससे साबौता मुस्तफाबाद स्थित इस माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी पाठ्यक्रम को लागू किया गया है, जिसमें बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर शिक्षा दी जा रही है। अब देखना यह है कि स्कूल के बच्चों की इस समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। फिर क्या करते हैं? फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा। इस तरह से इसकी आवाज को हम निकालते और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फेसबुक पेज और यूट्यूब पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।